हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की आउटलाइन देख लेते हैं कि बच्चों इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे बच्चों नंबर सिस्टम में, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखना है, नंबर का क्लासिफिकेशन। तो इनमें से आप काफी कुछ पहले से जानते हो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे कुछ हैं। उसके बाद इसी में बच्चों अगला सब टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में भी हमने क्लास 8th में पढ़ रखा है पहले से ही, और रियल नंबर का फिर फर्दर सब कैटेगरी है दो पार्ट में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो कि हमने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। थर्ड वन है बच्चों रिप्रेजेंटेशन, कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब नंबर लाइन पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन और इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन, ये दो बातें हैं। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो रेशनल नंबर जैसे कि हमको पता है बच्चों कि डेसिमल में हो सकता है, टर्मिनेटिंग अगर है, इंटीजर, फ्रैक्शन, तो ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 8th में, तो ये नया नहीं है हमारे लिए। अब 9th में जो नया देखना है बच्चों वो है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए दो मेथड हमें पढ़ने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पायरल मेथड एंड ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये पोर्शन 9th का नया है अभी यहाँ पर, और ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है क्लास 8th में। नेक्स्ट है बच्चों सब टॉपिक विजुअलाइजेशन, ये वाला टॉपिक नया है हमारे लिए। तो ये इरेशनल नंबर का विजुअलाइजेशन हमको पढ़ना है, इरेशनल नंबर का विजुअलाइजेशन ये नहीं है। और रेशनल नंबर में फिर फर्दर से दो कैटेगरी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है बच्चों रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट, ये हमने क्लास 8th में भी हालांकि पढ़ा है लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। और लास्ट टॉपिक है बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन किस में? रेशनल नंबर में दो जो पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो फ्रैक्शन का डेसिमल में, डेसिमल का फ्रैक्शन में, सेम कहानी यहाँ पर भी। और इरेशनल नंबर का फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं है, तो कन्वर्जन में फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हमको सीखना है रेशनल के लिए, तो इनको डिटेल में जो कि हम बाद में देखेंगे। और इरेशनल में क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में हो ही नहीं सकता, तो कन्वर्ट करने का इसको सवाल ही नहीं है, तो इसके कन्वर्जन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं, जरा सा रिकॉल करते हैं जो कि हमने पहले से पढ़ रखा है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, इसको हम जनरली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नोट्स में बच्चों आपको डिटेल में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएगी, और इसमें इन सारे नंबर का डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसे हम केवल बस रिकॉल कराते हैं क्योंकि ये हमारे पिछले क्लासेस के हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? सारे काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। सेकेंड वन इज होल नंबर, इसे हम जनरली कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? होल नंबर स्टार्ट होंगे जीरो से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारा कुछ हो जाएगा हमारा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फिर डिफरेंस क्या हुआ? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और अगर उसमें हमने जीरो और ऐड कर दिया तो वही बन जाता है हमारा होल नंबर। नेक्स्ट वन इज बच्चों इंटीजर, इसको हम जनरली कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में भी फिर दो स्टोरी है कि नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आप लोग पहले से ही जानते हो, 1, 2, 3, 4 ये सारे कुछ है इंटीजर, -1, -2, -3 ये सारे नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल जीरो, ये तीनों को मिला करके सारा इंटीजर बन जाता है। नेक्स्ट वन है जो प्राइम नंबर, इनसे आप ऑलरेडी अवेयर हो, प्राइम नंबर भी से आप सबको पता है क्या होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक तो वन, जो कि सबका ही फैक्टर होता है, एंड दूसरा होता है बच्चों नंबर इट्सेल्फ। जैसे अगर मैंने एक नंबर बोला 23, तो 23 के दो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो वन और दूसरा 23 खुद। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होते हैं।
अच्छा, तो फिर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे फोर, फोर के कितने फैक्टर हैं? थ्री, थ्री फैक्टर है ना फोर के। कैसे? एक तो वन, एक तो फोर, दो तो है ही, तीसरा है टू, टू भी फोर का फैक्टर है। तो प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर और कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो वन क्या है? वन इज ए यूनिक नंबर। वन न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि वन के केवल एक फैक्टर है, न तो दो है तो इसलिए वो प्राइम के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, और दो से ज्यादा तो फिर है ही नहीं, क्योंकि दो ही नहीं है तो दो से ज्यादा फैक्टर भी उसके नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के डेफिनेशन में वो है नहीं, तो इसलिए वन हमारा क्या है? यूनिक नंबर। तो प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होंगे फिर? टू से। टू क्योंकि वन तो यूनिक है। टू, थ्री, अगला फोर है क्या? नो, फोर कंपोजिट है। तो टू, थ्री, फाइव, सेवन, एलेवन, इस तरीके से 13, ये सारे प्राइम हो गए। कंपोजिट, कंपोजिट क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, कहाँ से शुरू होंगे कंपोजिट नंबर? फोर से। फोर, अगला सिक्स, नेक्स्ट एट, इस तरीके से नाइन, ये सारे कुछ क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, दो नंबर्स, जब भी को प्राइम की बात आएगी तो दो नंबर एटलीस्ट होंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर न मिले। अगर दो नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो दो नंबर के, और उनमें कुछ भी कॉमन न मिले। अब वन तो कॉमन सब में होता ही होता है, वन तो सबके कॉमन फैक्टर होता है, तो अगर दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले एक्सेप्ट वन, वन तो मिलेगा ही सब में कॉमन, तो अगर दो नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, तो उन दोनों नंबर को हम बच्चों बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे एट और नाइन, एट के फैक्टर क्या हुए? वन होगा, टू होगा, फोर होगा, एट होगा। थ्री के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? थ्री होगा और नाइन हो सकता है, वन। तो दोनों में क्या कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन हो एक्सेप्ट वन? आंसर इज नो। तो एट और नाइन कैसे नंबर हुए? को प्राइम नंबर। अगला एग्जांपल दे सकते हैं हम, 8 और 21। एट के फैक्टर क्या है? टू इंटू टू इंटू टू, और 21 के 3 इंटू 7। तो इनमें भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी कैसे नंबर्स हुए बच्चों? को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो कंजेकेटिव नंबर्स वो हमेशा को प्राइम होते हैं, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट वन इज बच्चों रेशनल नंबर, जिसको कि हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, रेशनल नंबर पता है आप लोगों को अच्छे से। ऐसे नंबर्स जिनको कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट इज कि जिनको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम, कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बच्चों नोट्स में जो मैं बता रहा हूँ। आप हालांकि पहले से ही पढ़ चुके हो, तो इसलिए यहाँ पर हम पूरा डिटेल लिख करके नहीं बता रहे हैं, 8th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बस केवल ऐसे आप समझ लो। इरेशनल नंबर फिर क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज जिनको कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन रियल नंबर, जिसको कि हम कैपिटल आर से जनरली डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? वो सारे नंबर जिनको कि हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। वो सारे नंबर जिनको कि हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इसको तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 11th में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट के अंदर -1, तो -1 का अंडर रूट फाइंड आउट करना ये
अभी हमारे लिए पॉसिबल क्लास 9th में नहीं है। तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आउटलाइन बच्चों कंप्लीट हुआ। अब अगला हम सब टॉपिक लेंगे रियल नंबर का। रियल नंबर के बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये करने के बाद अगला टॉपिक फिर हम लेंगे कन्वर्जन वाला। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने अभी भी पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको कि हम कहाँ पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ऑल द नंबर्स दैट लाइज ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड एज रियल नंबर। अब रियल नंबर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में, दैट इज कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, अगर क्यू जीरो हो जाएगा ना तो अपॉन में जीरो ये फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि यहाँ पर इसके लिए एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, कि रेशनल नंबर के एग्जांपल जैसे 1/2, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है। 3/4 ये भी है। क्या जीरो रेशनल नंबर है? आंसर इज यस। कैसे? जीरो को हम 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं ना। जीरो को क्या लिखा जा सकता है? जीरो को लिख सकते हो ना 0/1 या फिर 0/2, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा कैसे नंबर हुआ? रेशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूमिरेटर तो जीरो हो सकता है। देखो यहाँ पर पी कैन बी जीरो, पी जीरो हो सकता है। किसके लिए रोक है? मनाही किसके लिए है? क्यू के लिए। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्यू के लिए है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो न्यूमिनेटर तो जीरो हो ही सकता है, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, ध्यान रखना बच्चों। तो ये तो हो गए फ्रैक्शन के फॉर्म में। इस तरीके से सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये तो चलो भाई फ्रैक्शन समझ में आ गया कि हाँ फ्रैक्शन सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डेसिमल फॉर्म की बात करूं तो डेसिमल में ये किस तरीके के नजर आएंगे हमें? डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर का किस तरीके से नजर आएगा? डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं बच्चों हम कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म किस तरीके का नजर आएगा हमें। तो डेसिमल दो टाइप के होते हैं जैसा कि आपको पता है, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल में फिर फर्दर दो सब कैटेगरीज हो जाएंगी। टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाते हैं, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल जैसे 0.2, 0.235, 0.12372, कोई भी ऐसे 100 डिजिट के बाद टर्मिनेट करे, 10 डिजिट की बात करे, जो टर्मिनेट कर जाए वो क्या होंगे? सारे सारे भी क्या हुए? रेशनल नंबर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनको भी हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं ना, जैसे कि 2/10, 2/35/1000, इस तरीके से। तो एक तो ये वाले हो गए बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे वाले जो होते हैं बेटा वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना करें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग।
जैसे 0.3333 इस तरीके से आता रहेगा एंड सो ऑन पढ़ते हैं इसे, 0.23233 इस तरीके से आता रहेगा। ये भी हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जैसे जो ये लिखा हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन आता रहेगा, इसको हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से भी लिखते हैं 0.3, और इसके ऊपर हम बार लगाते हैं बच्चों। बार का मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, कभी ये खत्म नहीं हो रहा है। इसको भी बच्चों हम लिख सकते हैं 0.23 और इन दोनों पे बार, ये भी देखो हो गया हमारा। इसका मतलब 0.23233 आता रहेगा। तो जो ये रिपीट हो रहा है बच्चों ये पैटर्न, तो इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 0.12444 अगर ये रिपीट कर रहा है ऐसे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.124 रिपीट कर रहा है, तो केवल फोर पे बार लगाया, केवल फोर पे, ये बार केवल और केवल फोर पे है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3.72929 इस तरीके से अगर ये रिपीट कर रहा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3.7 और 29 पे बार, क्योंकि 29 रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करता है बच्चों उसके ऊपर हम बार लगाकर उसे शो करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे रेशनल नंबर हुए बच्चों, उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो दो टाइप का होता है। पहला, जो टर्मिनेट कर जाए, कितने भी डिजिट के बाद टर्मिनेट करे, और दूसरा क्या होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, कि कौन से पी बाई क्यू जो जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग वाले कैटेगरी में लाई करते हैं, और कौन से पी बाई क्यू फॉर्म हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले कैटेगरी में लाई करते हैं, इनको हम कैसे क्लियर करें, तो ये देखते हैं। तो जो तो पी बाई क्यू, तो जो ये बेटा फ्रैक्शन है पी बाई क्यू, अगर ये क्यू जो डिनोमिनेटर है इसके हमने अगर प्राइम फैक्टर किए, पी बाई क्यू के अगर हमने प्राइम फैक्टर किए, और प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 ही मिल रहे हैं, केवल केवल 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। 2 की पावर m × 5 की पावर n अगर मिल रहा है डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे, जहां पे m और n दोनों क्या है, रियल नंबर है, वेयर m कॉमा n बिलोंग टू रियल नंबर, जहाँ पे एम और एन कैसे नंबर्स हैं, जहाँ पे एम और एन होल नंबर है, रियल नंबर नहीं बच्चों, जहाँ पर एम और एन कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इसे हम हटा देते हैं होल नंबर, जहाँ पे एम और एन हमारे रियल नंबर नहीं हो गए, होल नंबर होते हैं, होल नंबर टक गए, तो एम कॉमा एन बिलोंग टू होल नंबर। तो जब कभी भी फ्रैक्शन हमने किया और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने पे केवल 2 और 5 ही मिले, एम और एन पावर से वो क्या है, होल नंबर, होल नंबर 0 से शुरू होती है, तो जब कभी ऐसा होगा तो जो फ्रैक्शन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया तो वो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, तो यहां पर जरा लिख लिया जाए थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इंटरमिनेटिंग डेसिमल डेसिमल डिनोमिनेटर should have the prime factors
द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू और फाइव और टू एंड फाइव। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर टर्मिनेटिंग डिसिमल है तो उसमें डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें या तो टू होगा या तो फाइव होगा या दोनों हो सकते हैं। जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ इस पर बेस्ड एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा बच्चों यहाँ पर 2/25 ये एग्जाम्पल टू कर लेते हैं इसे एग्जाम्पल टू और ये एग्जाम्पल वन। टू का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट 7/400, थर्ड वन 3/75, फोर्थ वन 4/75, फिफ्थ वन 3/22। इन सब की स्टडी कर लेते हैं, इसमें से कौन से फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग वाले हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं, ये देखते हैं बच्चों हम लोग। तो पहला वाला है 2/25, इसमें बच्चों अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो ये आपको दिख रहा होगा 2/5 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या दिख रहे हैं, केवल 5, ओनली 5। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 हो, केवल 5 हो या केवल यही दोनों हो तो नंबर होगा टर्मिनेटिंग। तो इसलिए ये नंबर कैसा हुआ, इम्प्लाइज दैट ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा ये वाला बच्चों यहाँ पे अगर हम फैक्टर करें तो 7/400, तो 4 का फैक्टर तो हो जाएगा 2 × 2 और 100, 100 में 2 10 है तो एक तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का फैक्टर 2 × 2 और 10 का मतलब 100 का मतलब होता है 2 × 5 2 × 5। तो चलो पहले ये लिख लेते हैं 100। अब आगे लिखा 7/10 × 10, तो दोनों 10 में 1 1 2 मिलेंगे तो 2 2 यहां से और 2 2 ये है, ये तो 2 की पावर हो जाएगा 4 × और 1 5 1 10 में, 1 5 1 10 में तो 5 की पावर 2। तो डिनोमिनेटर में क्या मिल पाए, 2 और 5 दोनों मिले। तो ये भी नंबर हमारा कैसा नंबर हुआ बच्चों, कैसा हो जाएगा ये नंबर, ये अगेन टर्मिनेटिंग। अच्छा यहां पर फैक्टर क्या दिख रहे हैं, अगर हम देखें तो 3/75 के फैक्टर 3 × 5 का स्क्वायर। तो पहली बार तो देखने में ये लगेगा कि नीचे तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया तो ये नंबर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली ना नीचे केवल 5 ही बचेगा। तो ये बचेगा ना फाइनली 1/5 स्क्वायर, 3 बचा ही नहीं। अब क्योंकि 3 नहीं बचा इसलिए ये नंबर भी क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो 4/ यहाँ भी फैक्टर वही हुए 3 × 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो 3 आ गया, जैसे ही 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी दिखा, भले ही 2 और 5 यहाँ पर हो लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नीचे दिख गया तुरंत आप बोलोगे नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। अच्छा सेम तरीके से यहाँ भी आपको पता चल गया होगा ये भी क्या हो जाएगा, 3/2 × 11। अब 2 तो है तो चलो ठीक है लेकिन 2 और 5 के अलावा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, तो 2 और 5 के अलावा जैसे ही 11 दिखा हम इसे क्या बोलेंगे, नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये नंबर बच्चों क्या आ गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल।
तो इस तरीके से हम बच्चों जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, कई बार ये डेसिमल में कन्वर्ट करने को भी आ जाता है, तो जब कभी ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे बच्चों कि जैसे देखो नीचे 5 का स्क्वायर है, तो आप 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में बच्चों देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं।